हाँ सर, आज बताएं, आप उज्जैन आए हैं तो आने वाले चुनाव को लेके क्या तैयारी चल रही है अपनी? मध्य प्रदेश में 2018 का जो इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन में सबसे पहले बहुजन संघर्ष दल ने ये निश्चित किया है कि आज देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इज्जत आबरू खतरे में है, जिंदगी खतरे में है। मूव लिंचिंग भारत में इस प्रकार से चल रहा है कि लगभग 102 तो मर्डर हो चुके हैं और 600 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मूव लिंचिंग का मामला इतना तेजी पकड़ रहा है कि अब इंसान सुरक्षित नहीं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये है किसकी वजह से। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में और राज्यों में उसी के सह पर ये सारा काम हो रहा है। जैसे अभी 9 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली पर भारतीय संविधान जिस तरह से जलाया गया, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अब इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी इस समय कांग्रेस नजर आती है। तो कांग्रेस पार्टी से हमने कहा भी है और हमारी मंशा भी है कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन करे। उस महागठबंधन में सारी पार्टियां, जो सेकुलर पार्टियां हैं, सभी पार्टियां गठबंधन करें और महागठबंधन के जरिए भारतीय जनता पार्टी को हम हरा सकें। ये बहुजन संघर्ष दल ने निर्णय लिया है और इस इलेक्शन में हमारी यही तैयारी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का विचार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराने का नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुओं की पार्टी है,